मिर्जापुर से सोनभद्र जाते समय कल प्रियंका वाड्रा को पुलिस गिरफ्तार कर चुनाव डाक बंगले ले गई। कल से हो रहे हंगामे के बाद प्रियंका से मिलने के लिए सोनभद्र से खुद पहुंचा पीड़ित परिवार। पीड़ितों ने प्रियंका से अपना दर्द बयां किया। उनकी बातें सुनकर प्रियंका भावुक हो गई। वहीं उन्होंने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनभद्र गोलीकांड में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। घायलों को भी उचित व्यवस्था दिलाने का भरोसा दिलाया। प्रियंका ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और वाराणसी के लिए रवाना हो गई। कांग्रेस पार्टी के जरिए 10 लाख का अनुदान हर परिवार में जहाँ पे एक हत्या हुई है मृतक परिवार को अनुदान मिलेगा। घायलों के लिए भी हम कुछ अनुदान देंगे, वो भी तय नहीं हुआ है कि कितना।